दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ेड़ा ऊना। पौंटा साहिब के पंचायत के तहत आने वाले स्टोन क्रशर से संपर्क मार्ग की खस्ता हालत को लेकर कुंजा मतरालियों पंचायत के ग्रामीण खासे नाराज हैं, जिसको लेकर शनिवार को पंचायत के लोग सड़क पर उतर गए, क्रशर मालिकों के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बीते कई सालों से ये संपर्क मार्ग कच्चा पड़ा हुआ है, मार्ग में गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते यहाँ कई हादसे पेश आ चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हल्की सी बरसात होने पर यह सड़क नदी में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। एसडीएम पौंटा ने कहा कि इस सड़क के काम को लेकर लोक निर्माण विभाग से बात की गई है, बरसात के बाद इस सड़क का काम शुरू हो सकता है। सड़क की हालत सुधारने के लिए वह एक बैठक क्रशर एसोसिएशन से भी करेंगे। जो ये हमारी रोड है, जो इसके हालात आप देख रहे हो, काफी बुरी हालात है, खड्डे हो रखे हैं बारिश के कारण। ग्रामीणों को जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उनको आने जाने की दिक्कत है, उसके लिए आज यहाँ के लोग इकट्ठे हुए थे, पहले इकट्ठे हो गए थे। आज चक्का जाम की थी, उससे लिए प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है पुलिस बल के साथ, और ये बात करने के लिए कि असली मुद्दा क्या है। ये रिप्रेजेंटेशन ये मुझे पहले भी दे चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी दो राउंड की मीटिंग जो है दूसरे किसी पक्ष के लिए, जो और पंचायत में प्रॉब्लम थी उसके लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा एरिया देखने को रह गया था, आज हम इसी करके इसको देखने आए हैं। हमारी स्टोन क्रशर मालिकों से बात भी हुई है, हमारी माइनिंग ऑफिसर से बात की है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए उन्होंने कमिट किया है कि वो जो खड्डे वगैरह हैं वो उसको भरवा देंगे। और उसके बाद मैंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि जो DMFT की मीटिंग अभी होगी उसमें कृपया करके जो इसका प्रपोजल है जो भी है वो उसको बना के डी साहब हमारे थ्रू या फिर डी साहब के थ्रू अवगत कराएं, ताकि हम इस चीज़ को पूर्ण रूप से इसके लिए फंडिंग कर सकें। और PWD ने भी ये आश्वस्त किया है कि इसकी DPR ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और नबार्ड के लिए इसका सेंक्शन के लिए पैसे के लिए जा चुकी है चीज़ें, और उसकी अभी अप्रूवल आनी पड़ेगी। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, यहाँ पे छोटे बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए और आप रोड की हालत देख सकते हैं कितनी ठीक नहीं है, बट हम पूरी इसमें प्रशासन जो है पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। इनका कहना है सर कि ये आज से पहले भी प्रशासन को कई बार बता चुके थे, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तभी नौबत गन्ना प्रदर्शन तक आई। नहीं देखिए, वो हक है हर बंदे का अपने घर की, अगर मेरा घर भी इधर की तरफ होता तो शायद मैं भी इनके साथ खड़ा होता, मैंने इस पर कोई दो राय नहीं रखी है, बट चलिए इन्होंने आप मुझे मौका दिया है, मुझे इसके ऊपर बताओ। सर काम प्रभावित नहीं करेगा, मानसून आने वाला है 1 तारीख को, तो आपके ऑफिस में भी शायद यही इन्होंने बताया था कि, तो इस बीच कोई 20-22 दिन में अगर पहले थोड़ा सा अगर काम हो जाता तो ठीक है। व्यस्तता भी होती है और यही एरिया नहीं है हमारी कश्मीर के साथ लगता हुआ, जहाँ पे ग्रामीणों की प्रॉब्लम थी। अगर आपको अवगत होगा इसी 22 दिन के बीच में 2 मीटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारी आगे लगती पंचायतें हैं जिनकी प्रॉब्लम भी हमारे पास पहले से आ रही थी, उसके लिए भी हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये बात उस दिन मैंने यहाँ पे आके इनका प्रपोजल लिया था, ठीक है आज हम आए हैं इसकी काम होगा। कौन सी स्कीम में डाल सकते हैं इसको? देखिए जो मुझे PWD ने अवगत कराया है, उन्होंने बोला कि नाबार्ड के थ्रू इसकी DPR ऑलरेडी जा चुकी है सेंक्शन के लिए, बट उसके बारे में मुझे कुछ नई खबर पता लग रही है यहाँ से। बट जो मेरे पास रिटर्न लेटर आया है एक्शन साहब का, वो ये है कि इसकी DPR के लिए उन्होंने सेंक्शन के लिए ऑलरेडी, माइनिंग का भी तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, वो भी कर सकते हैं इसमें। देखिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की पहले तो कमेटी का मैं मेंबर नहीं होता हूँ, बट मैंने एमओ साहब से इसके बारे में तुरंत यहीं बैठ के बात की थी, उन्होंने ये बोला था कि जो नेक्स्ट DMFT की मीटिंग होगी हम इसमें जरूर फंड इसमें सेंक्शन करेंगे। फिलहाल क्या व्यवस्था करें? फिलहाल ये व्यवस्था हो रही है कि खड्डे तो भरे जाए, ये बोले चलने लायक तो ये रहे, चलने लायक भी नहीं है जगह, ठीक है, और ना कोई एम्बुलेंस निकलनी हो, जब कुछ निकले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद मैंने इनको ये भी कमिट किया कि एक मीटिंग और करेंगे, जिसमें कि हम कमिटमेंट लेना चाहेंगे जो भी हमारे लाभार्थी हैं इस सड़क के, कि वो इस सड़क के लिए तुरंत से तुरंत क्या कर सकें, ठीक है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार जी, हम यहाँ मौके पर आए, हमारे SDM साहब भी मौके पर आए, इन्होंने देखा यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं क्रशर वालों के साथ बात हुई है, अभी इसको ज़्यादा तो नहीं करा सकते, बट ये है कि खड्डे इसको भरवा दें जिससे चलने लायक हो जाइए, अभी देखते हैं आज का टाइम इन्होंने दिया, अगर नहीं हुआ तो फिर हम कल आज होगा धरना प्रदर्शन बैठेंगे अभी अगर तो रास्ता ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बैठे हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर। अभी इन्होंने बोला कि हम इसको चलने लायक बना देते हैं, अगर नहीं बनाया तो हम गाड़ियां रात को रोकेंगे। प्रधान जी आपको बताएंगे भी इस रास्ते से बड़े परेशान हैं, क्योंकि गांव वालों की मुश्किलें होती है, दिक्कतें वो हमारी दिक्कतें होती है,
और जो स्टोन क्रेशर वाले इतना पैसा यहाँ से कमा रहे, कम से कम उन्होंने ये गांव वालों के लिए इतना रास्ता तो ठीक करना चाहिए। ये तो हमें बोलने की इनको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद भी आते हैं अपने आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, क्योंकि उनको कीचड़ का पता नहीं चलता। अगर उनको कीचड़ का पता चलता तो शायद वो इसको पहले ही ठीक करते। हमारी तो यही है उनसे हाथ जोड़ के विनती कि इसको ठीक किया जाए, पहले तो अभी गड्ढे भर दिए जाए जिससे कि चलने का हो जाए। अगर उन्होंने इसको ठीक तरह से नहीं किया फिर यहाँ पंचायत वाले या गांव वाले धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर पंचायत की ओर से नहीं किसी स्कीम में इसको डाला गया है, मांग की गई नहीं हमने और तो नहीं किसी स्कीम में नहीं डाला कोई, क्योंकि ये लगता है ना भाई, क्योंकि इतना पैसा कमा रहे स्टोन क्रेशर वाले और उन्हीं का ही मेन रोड है ये। कुछ बस्ती है जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनका ये रास्ता है, उनके लिए तो उन्होंने करना चाहिए। जहाँ से इतना पैसा अपनी रोजी रोटी कमा रहे तो उस रास्ते को तो ठीक करना चाहिए। बाकी आज शाम तक हम देखते हैं, अगर तो कुछ करते हैं ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन भी हमारा किसी आम पब्लिक के लिए नहीं है, हमारा सिर्फ गाड़ियां रोकने का मकसद है। गाड़ियों से हमारा रोड डैमेज हो रखा है, हम गाड़ियां ही रोकेंगे। हम आम पब्लिक कोई छोटी गाड़ी या कोई आम पब्लिक आने जाने वाला है, हम उसको किसी को नहीं रोकेंगे, वो आ जाए। सिर्फ हमारा सिर्फ लक्ष्य ये है कि ट्रकों से बड़े बड़े जो ओवरलोड ट्रक हैं उनसे हमारा रास्ता डैमेज हो रखा है, हमने गाड़ियाँ रोकनी है, आम पब्लिक को या किसी को परेशान नहीं करेंगे। और जबकि ये आम रास्ता भी नहीं है, ये सिर्फ गांव का ही रास्ता है, जो कि क्रेशर वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ गांव के लिए रास्ता गाँव हैदर या शमशान घाट का रास्ता है। इसलिए आज हम यही कह रहे हैं कि सिर्फ ये हम धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा, अगर इन्होंने रास्ता ठीक किया ठीक है, नहीं किया तो हम गाड़ियाँ रात को गाड़ियाँ रोकेंगे। ठीक है जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में जिला ऊना का हिमकैप्स लॉ व नर्सिंग संस्थान बढ़ेड़ा बुलंदियों को छू रहा है। सहकारिता के जन्मदाता मियां हीरा सिंह की यादों को समर्पित संस्थान के विकास कार्यों को चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चार चांद लगा रहे हैं। प्रोफेशनल शिक्षा के इस मंदिर में प्लस टू पास विद्यार्थी बीए एलएलबी व बीए पास स्टूडेंट्स एलएलबी डिग्री कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं। लॉ संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू हो गए हैं। नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व एएमआरयू से मान्यता प्राप्त है। नर्सिंग कोर्स में छात्राओं के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम व एएनएम कोर्सों में भी छात्राएं एडमिशन ले सकती हैं। संस्थान में पास आउट स्टूडेंट्स सरकारी व नामी गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे, हॉस्टल सुविधा, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मूट कोर्ट, सभागार, लाइब्रेरी, फंडामेंटल एवं कॉमन प्रयोगशाला, ग्राउंड समेत तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। संस्थान में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 88947-79631 या 88372-95177 पर।